आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी उचित समय पर अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। मनीष सिसोदिया उत्तरी गुजरात में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार रात ऊंझा कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद सिसोदिया ने मीडिया कर्मियों से कहा कि पार्टी उचित समय पर सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा करेगी। जनता को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि हमें गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए नेता होने की जरूरत नहीं है। हम सरकारी स्कूलों के मानक और गुणवत्ता में सुधार करेंगे जो निजी स्कूलों के बराबर होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने काम के लिए जानी जाती है। सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता के धन का इस्तेमाल लोगों के उत्थान के लिए किया जाना चाहिए, ना कि कुछ चुनिंदा दोस्तों के लिए। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा शनिवार सुबह राजकोट पहुंचे और पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्हें गुजरात चुनाव का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य का दौरा करेंगे और पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पीठ में छुरा घोंपने के आरोप को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया। जेडीयू ने कहा कि ये बीजेपी थी जिसने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रची। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी को अमित शाह से किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार सुनिश्चित कर 2024 में भाजपा मुक्त भारत के केंद्र में बिहार होगा। दरअसल अमित शाह ने बिहार में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ जेडीयू रजत कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा था। इस संबंध में ललन सिंह ने व्यंगात्मक लहजे में कहा कि गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार को फिर से परिभाषित किया है, क्योंकि लोग बीजेपी में शामिल होने के बाद बेदाग हो जाते हैं, जबकि विपक्ष के लोग भ्रष्ट होते हैं और उन्हें सीबीआई और ईडी के जरिए निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जांच एजेंसियों से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा इनका दुरुपयोग चिंता का विषय है। अमित शाह ने नीतीश कुमार को सत्ता का लालची बताए जाने के आरोप पर ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को उनसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग उन्हें 2005 से अपना प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जब से वो राज्य में शासन कर रहे हैं। बता दें कि अमित शाह ने मुख्यमंत्री कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। इस आरोप पर ललन सिंह ने कहा कि ये बीजेपी थी जिसने जदयू को कमजोर करने की साजिश रची। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के साथ मिलकर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था और बाद में इसे कमजोर करने के लिए आरसीपी सिंह के साथ मिलकर काम किया। लोकसभा सदस्य ने कहा, नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपा है। न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2016 की एक घटना को याद किया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आधी रात को फोन किया था और पूछा था कि क्या वो जाग रहे हैं। जयशंकर ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि फोन उठाते ही उनका पहला सवाल था कि क्या जागे हो। दरअसल विदेश मंत्री उस घटना का जिक्र कर रहे थे जब अफगानिस्तान में मजार ए शरीफ स्थित भारतीय दूतावास पर हमला हुआ था। उस वक्त जयशंकर विदेश सचिव हुआ करते थे। जयशंकर गुरुवार को न्यूयॉर्क में मोदी एट द रेट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक से जुड़े एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क में है। जयशंकर ने कहा कि आधी रात हो चुकी थी और अफगानिस्तान के मजार ए शरीफ में हमारे वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, और इतने में मेरे फोन की घंटी बजी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, जब प्रधानमंत्री फोन करते हैं तो आपको कॉलर आईडी नहीं मिलती। मैंने फोन उठाया तो प्रधानमंत्री थे। घटना को याद करते हुए उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मानकर चल रहे थे कि मैं उन्हें पहचान लूंगा, इसलिए उनका पहला सवाल था जागे हो। मैंने कहा हाँ सर, 12:30 बजे हैं और क्या कर रहा हूँगा। प्रधानमंत्री ने उनसे आगे पूछा कि क्या तुम टीवी देख रहे हो, वहाँ क्या हो रहा है। तो इसके जवाब में मैंने कहा कि हाँ सर, मदद थोड़ी देर में पहुँच रही है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि पीएम ने कहा कि जब मदद पहुँच जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। मैंने कहा सर, इसमें 2 से 3 घंटे और लगेंगे, जब हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ सूचित कर दूंगा। इसके बाद पीएम मोदी ने जोर से कहा कि सीधे मुझे फ़ोन करना। विदेश मंत्री ने कहा कि किसी प्रधानमंत्री में यह एक विलक्षण गुण है। सोनू सूद इन दिनों बिहार की राजधानी पटना के कल्चर का मजा उठा रहे हैं और यहां के लोगों में भी सोनू सूद के आने से खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल सोनू सूद ने अपने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बिहार की राजधानी पटना में वहां की फेमस डिश लिट्टी चोखा का मजा उठा रहे हैं। सोनू
हम वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह पटना के लोगों ने सोनू सूद का स्वागत किया है। गले में माला, हाथ में लिट्टी चोखा लिए सोनू सूद बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में सोनू सूद ने लिखा, बिहार ने स्वागत लिट्टी चोखा से किया। आपको बता दें, एक मैसेज से लोगों की मदद के लिए दौड़ने वाले सोनू सूद को आज लोगों ने मसीहा का नाम दे दिया है। बता दें, लोगों की मदद के लिए सोनू हर समय सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। यही वजह है कि पूरे देश में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। INS रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल ये वीडियो रीवा से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा का है, जो अपने हाथ से शौचालय साफ कर रहे हैं। इस वीडियो को सांसद मिश्रा ने अपने ट्विटर पर भी साझा किया है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत रीवा के खटकरी के कन्या विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सांसद ने स्कूल का भ्रमण किया और जब उन्होंने शौचालय को काफी गंदा देखा तो वो सफाई करने से खुद को रोक नहीं पाए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।